हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अडेनियम ग्रोअर्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपसे कि अडेनियम प्लांट्स में ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र देंगे कि जो कि आपके अडेनियम में लगातार कंटिन्यूसली फ्लावरिंग होती रहेगी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मेरे अडेनियम में इस समय भर भर के फूल आ रहे हैं। ये देखिए, येलो कलर है, काफ़ी अच्छा सा फ्लावर खिला हुआ है। एक तो ये तो स्पेंट हो रहा है और ये देखिए खिल रहा है। यहाँ पर ये फ्लावर मेरा कल खिल जाएगा। और इधर साइड में भी देखिए, ये येलो कलर का एक शेड खिला हुआ है, येलो है और पिंक का मतलब इसमें लाइनिंग है, येलो कलर है। पता नहीं क्यों मैं कैमरे में वाइट सा आ रहा है, कुछ हो सकता है कैमरे का इफेक्ट। और यहाँ पे ये देखिए, काफ़ी अच्छा सा कलर खिल रहा है। और यहाँ पे भी देखिए, ये सीड ग्रोन में दूसरा कलर खिल चुका है और दूसरा फ्लावर खिला है, सॉरी। और ये भी फ्लावर देखिए काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बिग साइज़ का ये तो है। और पेटल्स भी इसमें अभी पूरे खुले नहीं हैं, खुल रहे हैं। और ये देखिए, ये भी बर्ड्स रेडी हो चुकी है। और ये देखिए, वाइट वाला रेडी हो रहा है। और यहाँ पे ये भी देखिए, काफ़ी अच्छे से खिल रहा है। और ये देखिए, खिलने वाला है। और यहाँ पे मेरा रेड वाला फ्लावर, ये देखिए काफ़ी अच्छा बिग साइज़ में है और काफ़ी अच्छा फ्लावर्स आ रहा है। और ये देखिए, इस फ्लावर में देखिए पैटर्न और इस फ्लावर में पैटर्न देखिए, तो देखिए दोनों में कितना चेंज है। ये वाला फर्स्ट फ्लावर खिला हुआ था इस प्लांट में और उसके बाद इसका मतलब पैटर्न ही एकदम चेंज हो गया था। तो मैंने सोचा कि ये क्या दिक्कत हो गई है, बट मैंने वेट किया, कुछ भी नहीं किया। और ये देखिए, सेकंड फ्लावर जो इसका खिला हुआ है, सेकंड फ्लावर में इसका पैटर्न कितना खूबसूरत आ रहा है। जो कि मैं इस वीडियो में कोई भी फिल्टर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप रियल में देखिए, इसका पैटर्न काफ़ी ब्यूटीफुल सा है। और इस वाले फ्लावर में भी सेम यही हुआ था कि कलर इसका चेंज हो गया था, लेकिन जो न्यू फ्लावर खिला है ना, ये देखिए, इसका न्यू फ्लावर जो खिला हुआ है वो काफ़ी ब्यूटीफुल सा है। और कहें तो इसका ये वाला फ्लावर जो खिला हुआ है, ये अपने रियल पिक्चर पे है, मतलब जो प्लांट जब मैं परचेज करी थी तो देखी थी पिक्चर, वो वाला है। बाकी ये दोनों में कलर थोड़ा सा चेंज हो गया था, बट ये वाला भी फ्लावर काफ़ी अच्छा आ रहा है। और यहाँ पे ये देखिए, मेरे इस वाले रोजी रेड में भी फ्लावर खिल रहा है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि वाइट वाला भी खिलना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए, इस प्लांट में फर्स्ट फ्लावर खिला हुआ है और इसमें दो फ्लावर खिल चुके हैं। और यहाँ पे ये देखिए, मेरा येलो वाला काफ़ी भी अच्छा सा खिल रहा है, इसमें भी इस बार फर्स्ट फ्लावर खिला हुआ है और कलियाँ तो काफ़ी सारी बन रही हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये सभी मेरे सीड ग्रोन हैं, ग्राफ्टेड प्लांट नहीं है, ये दोनों मेरे सीड ग्रोन हैं और काफ़ी अच्छा कलर आया हुआ है। और ये दोनों सीड ग्रोन की बात करें तो इसी येलो वाले का, ये जो मेरा येलो वाला है ना, इसी के सीड से मैंने ग्रो किया हुआ है। बस थोड़ा सा वेरिएशन आया हुआ है, पिंक सा बॉर्डर है, मतलब उसमें भी जो मेरा फ्लावर आता है कलर चेंज होता है। पहले येलो आता है, फिर होता है, फिर उसके बाद दो दिन बाद उसमें पिंक का बॉर्डर आ जाता है। तो सेम उसी तरीके से इसमें आया हुआ है, बट उससे खूबसूरत आता है कलर इसी इसमें। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा कलर वेरिएशन है। ये देखिए, लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा है और फ्लावर साइज़ भी काफ़ी बिग साइज़ होता है। तो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे कि अडेनियम में कंटिन्यूसली फ्लावरिंग के लिए आप कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे जिससे कि आपके अडेनियम में भर भर के फूल आते रहेंगे। इस टाइम पे आप मेरे अडेनियम में देख सकते हैं, काफ़ी सारे फूल खिल रहे हैं। तो अब हम इसी को बताने वाले हैं कि मैंने कौन सा फर्टिलाइज़र ऐसा यूज़ किया हुआ है कि मतलब रिपोर्टिंग के तुरंत बाद ही मेरे अडेनियम फ्लावरिंग के लिए रेडी हो चुके हैं। और इस फर्टिलाइज़र का अभी यूज़ करेंगे तो समझ लीजिए कि आपके अडेनियम में कंटिन्यूसली ब्लूमिंग होती ही रहेगी, फ्लावरिंग स्टॉप ही नहीं होगा। जैसे कि इस साल वैसे भी मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, इस साल मेरे अडेनियम में आप लोगों को थोड़ी सी फ्लावरिंग कम देखने को मिलेगी, क्योंकि इस टाइम पे जो मैं ग्राफ्टिंग कर रही हूँ तो अपने मतलब 80% प्लांट की तो मैंने ग्राफ्टिंग कर डाली है, तो इसलिए उसमें फ्लावरिंग देखने को अभी थोड़ा 2-3 मंथ वेट करना पड़ेगा। बाकी इन सब प्लांट्स में जो अभी फ्लावरिंग हो रही है, तो इसमें कंटिन्यूसली फ्लावरिंग के लिए मुझे कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र देना चाहिए जो कि कंटिन्यूसली फ्लावरिंग होते रहेंगे, तो उसी टॉपिक पे आज मैं बात करूंगी आप लोगों से। तो चलिए हम दिखाते हैं कि कौन सा मैंने ऐसा मैजिकल फर्टिलाइज़र दिया हुआ है जो कि रिपोर्टिंग करते के साथ ही आपके अडेनियम में फ्लावरिंग आने लगी है, मतलब मेरे अडेनियम में फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 25 फरवरी के आसपास मैंने रिपोर्टिंग स्टार्ट किया हुआ था, और मार्च में अभी कहें तो आज 22 तारीख है, 23 तारीख आज है, तो मतलब अभी कहें तो 1 मंथ भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और रिपोर्टिंग करने के तुरंत बाद ही मेरे सभी अडेनियम में कलियां भी आ रही हैं, देख सकते हैं भर भर के कलियां आ रही हैं और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए हम अपने फर्टिलाइज़र को दिखाते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करती हूँ अपने अडेनियम प्लांट्स में। और ये वाला तो वाइट रेड वाला देख सकते हैं, छोटा सा प्लांट है, एक हाथ का प्लांट है। और ये देखिए,
कितना खूबसूरत सा भर भर के फ्लावर इसमें आ रहा है। इसके काफ़ी प्लांट मैंने रेडी किए हुए थे जो कि सेल हो चुके हैं, और इस टाइम पे मेरे प्लांट में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसमें ग्राफ्टिंग मैंने इसकी सितंबर में की हुई थी, और इधर ये मेरा डायमंड रिंग का प्लांट है, इसमें भी काफ़ी अच्छा सा फ्लावर आता है, लेकिन अभी तो मतलब लास्ट ईयर मैंने ख़रीदा ही था, बहुत छोटा सा प्लांट था, धीरे धीरे बड़ा होगा तो शायद फ्लावरिंग अच्छी होगी इसमें भी। तो चलिए अपने फर्टिलाइज़र को आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे मेरा रोमांटिक इडेज का प्लांट है, इसमें भी बड्स डेवलप हो चुकी हैं और काफ़ी छोटा सा प्लांट है, मतलब कहें तो ये ग्राफ्टेड नोड है और उसके बाद से ये छोटी सी ब्रांच है इसमें। इसमें अभी तक फ्लावरिंग नहीं आई हुई है, फ्लावर बड्स रेडी हो रहा है, मैंने लास्ट ईयर ही ख़रीदा था, मतलब दिसंबर नवंबर दिसंबर के टाइम में मैंने परचेज़ किया हुआ था, उसके बाद से इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है। तो इसको भी फ्लावरिंग आएगी तो हम आप लोगों के संग शेयर करेंगे ज़रूर। और इधर मेरा सिंगल रेड का प्लांट है, मतलब इसमें सिंगल रेड कलर का फ्लावर आता है। तो ये देखिए फ्रेंड, इसी फर्टिलाइज़र का मैं यूज़ करती हूँ अपने एडेनियम प्लांट्स में, जो कि इसकी वजह से मेरे एडेनियम में मतलब कंटिन्यूसली फ्लावरिंग होती है। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया हुआ है। तो ये जो मैंने लिया हुआ है गोबर की खाद है, 2 साल पुरानी गोबर की खाद है, और ये थोड़ा सा नीम खली लिया हुआ है, थोड़ा सा फंगीसाइड लिया हुआ है, थोड़ा सा बोन मील है, और पोटाश है, जो कि इसमें पोटाश का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्लावरिंग के लिए। अगर आपको एडेनियम में कंटिन्यूसली फ्लावरिंग चाहिए तो आप पोटाश का यूज़ रेगुलर करते रहिएगा, या तो आप फोलियज स्प्रे करते रहिए, अगर आपके पास मतलब लिक्विड वाला है जो कि वाटर सोल्यूबल होता है, तो अगर आप उसको रखती हैं तो आप इसको कहें तो विद इन 15 डेज में रेगुलर आप यूज़ करते रहिए, तो फ्लावरिंग आपकी कंटिन्यूसली बनी रहेगी। अगर आप ऑर्गेनिक रखती हैं तो फिर क्या करिए कि 15-15 दिन के गैप पे आप ग्रेनुअल्स का यूज़ पॉट में करते रहिएगा, तो आपको कंटिन्यूसली ब्लूमिंग मिलती रहेगी। जैसे कि आप मेरे एडेनियम में देख रहे हैं कि छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ये देखिए मेरा कितना छोटा सा प्लांट है ये वाला, और इसमें देखिए कलियाँ भी बन के काफ़ी सारी आई हुई हैं, और इधर साइड में भी मेरे छोटे छोटे से प्लांट हैं और उनमें भी फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है। तो चलिए हम इसको मिक्स करते हैं और अपने प्लांट्स में कैसे देना है सब कुछ आज आप लोगों को बताएंगे। तो मैं स्पून ले ली हूँ और स्पून की हेल्प से मैं इसको मिक्स करूँगी। ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया बहुत ही अच्छे तरीके से। फंगीसाइड का मैंने यूज़ थोड़ा सा कम किया हुआ है, क्योंकि फंगीसाइड मैंने ऑलरेडी मीडिया में मिक्स किया हुआ है, तो इस वजह से मैं फंगीसाइड का यूज़ थोड़ा कम कर रही हूँ। ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। और इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप इवनिंग के टाइम में ही करेंगे, मॉर्निंग में नहीं करना है, क्योंकि मॉर्निंग में अगर आपको करना है तो आप अर्ली मॉर्निंग करिए, ताकि इनको जब आप दीजिए तो उसके बाद एडेनियम में पानी दीजिए, और पानी देने के बाद आप इसको मतलब ऐसी लोकेशन पर, अगर आपके पास 2-4 प्लांट है तो ठीक है, अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा प्लांट है तो आप इवनिंग में ये फर्टिलाइज़र दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में आप फर्टिलाइज़र देते हैं तो उसके बाद धूप लगती है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो इस वजह से मैं इवनिंग के टाइम में यूज़ करती हूँ। और इवनिंग के टाइम में देने के बाद या तो आप पानी दे दीजिए, और अगर पानी नहीं दे रहे हैं तो छोड़ दीजिए, मॉर्निंग के टाइम में आप पानी दे दीजिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए मैं इस तरीके से हल्की हल्की सी गुड़ाई कर लूँगी, ऐसे हल्की गुड़ाई करने के बाद एक स्पून लूँगी, बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना है, एक स्पून लेंगे, और ये देखिए ये फिर लिए ये 2 स्पून, मतलब ये जो पॉट है मेरा ये 6 इंच का पॉट है, तो 6 इंच के पॉट में मैंने 2 स्पून लिया हुआ है। ऐसे ही मैं अपने सभी प्लांट्स में दे दूंगी। मीडिया मेरी देख रहे हैं आप कि कितना पोरस मीडिया है, जो मैं मीडिया यूज़ करती हूँ सब कुछ आप लोगों के संग शेयर किया हुआ है। तो अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मीडिया वाली वीडियो का लिंक मैं दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये देखिए इसमें भी 2 स्पून देंगे, और देने के बाद आपको इस तरीके से मिक्स कर देना होता है, क्योंकि इसमें बोन मील होता है, तो अगर मिक्स नहीं करेंगे तो थोड़ा सा फंगस का अटैक हो जाता है, तो इस वजह से आपको मिक्स करना ज़रूरी होता है। और ये देखिए तीसरे प्लांट में हम देने जा रहे हैं, तो इसी तरीके से मीडिया बना के हम रेडी करके रखे रहते हैं अपने पास, मतलब हम मीडिया रेडी करने वाला काम बार बार नहीं करते, मीडिया हम पहले से रेडी रखते हैं, और 15-15 दिन के गैप पर मैं यूज़ करती रहती हूँ अपने एडेनियम में इसी फर्टिलाइज़र का, ताकि मेरे एडेनियम में कंटिन्यूसली फ्लावरिंग होती रहती है। ये देखिए 1 स्पून दे दिए, और 1 स्पून हम और दे देंगे, ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और ऐसे ही हम अपने सभी प्लांट्स में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ इस टाइम करेंगे,
और उसके बाद मॉर्निंग में हम पानी देंगे, जिससे कि मेरे अडेनियम में कंटिन्यूसली फ्लावरिंग होती रहेगी। लास्ट ईयर भी आप देखे होंगे कि मेरे अडेनियम में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, और इस बार मेरे अडेनियम में कुछ थोड़े से कम फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस टाइम पे मैं ग्राफ्टिंग का काम कर रही हूँ, तो थोड़े से कम फ्लावर्स आएंगे। और ये देखिए, इसमें न्यू कलर आने वाला है, क्योंकि इस प्लांट में मेरे फ्लावर अभी तक खिला नहीं है, फर्स्ट टाइम ये फ्लावर खिलेगा। और काफ़ी बिग साइज़ का प्लांट है, पिछले साल ही मैंने इसको भी परचेज किया हुआ था, और इसमें इस बार फर्स्ट फ्लावर खिलने वाला है। देखते हैं इसमें कलर कौन सा आएगा, क्योंकि मेरे पास इसका जो कैटलॉग था ना, कैटलॉग शायद डिलीट हो गया है, तो देखना पड़ेगा इसमें कौन सा कलर आता है। बाकी सभी में फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।